निर्माण आईएएस में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी के वार्षिकांक 2019 के बारे में, हमारे जो 2019 में जो सबसे ज़्यादा हॉट टॉपिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी में रहे हैं, उनको आज हम देखेंगे। वो कौन कौन से टॉपिक रहे हैं। जो आज का हमारा जो पहला टॉपिक है वो है टाइम कैप्सूल। आइए अब देखते हैं टाइम कैप्सूल होता क्या है। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जलंधर में आयोजित 106वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस में इसराइल के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित वैज्ञानिक एब्राम हर्ट्ज़्को और अमेरिका के वैज्ञानिक एफ डंकन एम होल्डाने द्वारा 4 जनवरी 2019 को वर्तमान टेक्नोलॉजी और भारत के वैज्ञानिक कौशल का प्रतिनिधित्व करने वाली वस्तुओं के साथ एक टाइम कैप्सूल को जमीन में दबाया गया। आइए अब देखते हैं टाइम कैप्सूल में क्या है। टाइम कैप्सूल में 100 ऐसी वस्तुओं को शामिल किया गया है जो भारत में अनुभव की जाने वाली आधुनिक प्रौद्योगिकी का प्रतिनिधित्व करते हैं। मंगलयान, ब्रह्मोस मिसाइल और तेजस लड़ाकू जेट की प्रतिकृतियों के अलावा इस कैप्सूल में लैपटॉप, लैंडलाइन फोन, स्मार्टफोन, ड्रोन, वीआर ग्लास, स्टॉपवॉच, अमेजन एलेक्सा आदि शामिल है। इसमें एयर फिल्टर, इंडक्शन कुकटॉप, एयर फ्रायर आदि जैसे उपभोक्ता सामग्रियां भी शामिल है जो हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा है। आज का जो हमारा अगला जो टॉपिक है वो है, इसमें नासा के सैटेलाइट टेस्ट ने पृथ्वी से 3 गुना बड़ा ग्रह खोजा। नासा के सैटेलाइट ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट अर्थात टेस ने सौर मंडल के बाहर एक नए ग्रह की खोज की है। टेस्ट द्वारा खोजा गया यह तीसरा ग्रह है। वैज्ञानिकों का मानना है कि धरती से बाहर जीवन तलाशने की संभावनाओं की दिशा में यह एक बड़ी उपलब्धि है। आइए अब इस नए ग्रह के बारे में कुछ जानकारियां जान लेते हैं। यह ग्रह पृथ्वी से 53 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। इस ग्रह को HD21749b नाम दिया गया है। यह रेटिकुलम तारामंडल के सूर्य के समान चमकीले ड्वार्फ तारे का चक्कर लगा रहा है। तारे से नजदीक होने के बाद भी इस ग्रह की सतह का तापमान 300 डिग्री फारेनहाइट ही है। ये ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट, आइए अब इसके बारे में जानते हैं। केपलर यान के बाद नासा ने एक्सोप्लैनेट की खोज के लिए TESS को अप्रैल 2018 में लॉन्च किया था। अपने 2 साल के अभियान में टेस 30 से 300 प्रकाश वर्ष दूरी स्थित ग्रह और चमकीले तारों का अध्ययन कर रहा है। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी द्वारा विकसित उपग्रह का लक्ष्य हजारों ऐसे ग्रहों की तलाश करना है जो हमारे सौर मंडल से बाहर है। IIT मद्रास ने प्रयोगशाला में स्पेस फ्यूल तैयार किया। आइए जानते हैं ये स्पेस फ्यूल है क्या। IIT मद्रास के शोधकर्ताओं द्वारा प्रयोगशाला में स्पेस फ्यूल तैयार किए जाने में सफलता हासिल की है। शोधकर्ताओं का कहना है कि यह फ्यूल अंतर्ग्रहीय परिस्थितियों को सिमुलेट करके प्रयोगशाला में बनाया गया है। आइए अब जानते हैं प्रयोगशाला में किया गया स्पेस फ्यूल शोध। IIT मद्रास के शोधकर्ताओं ने मिथेन युक्त क्लेथ्रेट हाइड्रेट का निर्माण उच्च निर्वात अर्थात वायुमंडलीय दाब से 1000 अरब गुना कम में किया है। इसका तापमान -263 डिग्री सेल्सियस था। शोधकर्ताओं का मानना है कि मिथेन और अमोनिया के मॉलिक्यूल अंतरिक्ष में एक अलग ही स्वरूप में होते हैं। बेहद निम्न वायुदाब तथा अत्यधिक शीत तापमान में हाइड्रेट की खोज अप्रत्याशित थी। हमारा अगला टॉपिक है मिशन गगनयान। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अर्थात इसरो ने मिशन गगनयान को दिसंबर 2021 में लॉन्च करने की घोषणा की है। इसरो प्रमुख ने बताया कि 2 मानव रहित स्पेस मिशन का लक्ष्य दिसंबर 2020 और जुलाई 2021 रखा है। इस अभियान के तहत 3 एस्ट्रोनॉट 7 दिन तक अंतरिक्ष में रह सकेंगे। भारत ऐसा करने वाला दुनिया का 4th देश होगा। अब तक अमेरिका, रूस और चीन ने ही अंतरिक्ष में अपना मानव युक्त यान भेजने में सफलता पाई है। आइए अब देखते हैं कि गगनयान मिशन के उद्देश्य क्या है।
देश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के स्तर में वृद्धि, यह मिशन काफ़ी अहम है क्योंकि मिशन गगनयान में एक इंसान को स्पेस में भेजेंगे और यान के जरिए ही वापस धरती पर लाएंगे। इस प्रक्रिया के दो पहलू है, मानव और इंजीनियरिंग। इंसान को अंतरिक्ष में भेजने के लिए एक नया सेंटर भी स्थापित किया गया है। गगनयान भारतीय मानवयुक्त अंतरिक्ष यान है। अंतरिक्ष कैप्सूल 3 लोगों को ले जाने के लिए तैयार किया गया है और इसे उन्नत संस्करण डॉकिंग क्षमता से लैस किया जाएगा। अपनी पहली मानवयुक्त मिशन में यह 3.7 टन का कैप्सूल 3 व्यक्ति दल के साथ 7 दिनों के लिए 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी की परिक्रमा करेंगे। कक्षीय वाहन को इसरो के भू स्थिर उपग्रह प्रक्षेपण यान मार्क 3 पर लॉन्च करने की योजना है। हमारा अगला टॉपिक है कलाम सेट और इमेजिंग सैटेलाइट माइक्रोसेट आर लॉन्च। आइए देखते हैं कलाम सेट और इमेजिंग सैटेलाइट माइक्रोसेट आर, इसके बारे में जानते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 24 जनवरी 2019 को विश्व के सबसे छोटे सैटेलाइट कलाम सेट को लॉन्च किया। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल अर्थात PSLV C-44 के द्वारा कलाम सेट और माइक्रो सेट आर को श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया है। कलाम सेट की खासियत यह है कि इसे छात्रों ने विकसित किया है। इसके अलावा यह अंतरिक्ष से पृथ्वी की तस्वीरें लेने में सक्षम है। जानते हैं कि कलाम सेट की विशेषताएं क्या है। कलाम सेट दुनिया का सबसे छोटा सैटेलाइट है। इसका नामकरण देश के पूर्व राष्ट्रपति और मिसाइल मैन के नाम से मशहूर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम पर किया गया है। यह दुनिया का सबसे हल्का और पहला 3D प्रिंटेड सैटेलाइट है। इसरो द्वारा बनाए गए अन्य स्टूडेंट सैटेलाइट नियोसेट, पीसेट, सत्यभामा सेट है। अगला टॉपिक है बोनी आकाश गंगा की खोज। नासा के अंतरिक्ष टेलीस्कोप हबल ने हाल ही में ब्रह्मांड में एक और आकाशगंगा का पता लगाया है, लेकिन नासा का कहना है कि यह आकाशगंगा हमारी मौजूदा आकाशगंगा की तुलना में बोनी है। नासा के स्पेस टेलीस्कोप हबल ने इस आकाशगंगा का अध्ययन किया, जिसके बाद इसे बोना कहा गया। नई आकाशगंगा को BEDIN-1 नाम दिया गया है। आइए अब देखते बोनी आकाशगंगा। बोनी आकाशगंगाओं को उनके छोटे आकार, धूमिल, धूल की कमी आदि द्वारा परिभाषित किया जाता है। इनमें पुराने तारे मौजूद होते हैं। इस प्रकार की 36 आकाशगंगाएं पहले से ही ज्ञात है जो आकाशगंगा के स्थानीय समूह में मौजूद है, जिनमें से 22 मिल्की वे की उपग्रह आकाशगंगाएं हैं। हमारा अगला टॉपिक है हबल स्पेस टेलीस्कोप। हबल अंतरिक्ष दूरदर्शी वास्तव में खगोलीय दूरदर्शी है जो अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह के रूप में स्थित है। इसे 25 अप्रैल 1990 में अमेरिकी अंतरिक्ष यान डिस्कवरी की मदद से इसकी कक्षा में स्थापित किया गया था। हबल स्पेस टेलीस्कोप को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से तैयार किया था। यह एकमात्र स्पेस टेलीस्कोप है जिसे अंतरिक्ष में ही सर्विंग के हिसाब से डिजाइन किया गया है। अगला टॉपिक है GSAT-31। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अर्थात इसरो ने फ्रेंच गुयाना के अंतरिक्ष केंद्र से अपने 40वें संचार उपग्रह GSAT-31 का 5 फरवरी 2019 को सफल प्रक्षेपण किया। इसरो द्वारा जारी जानकारी के अनुसार उपग्रह की आयु 15 वर्ष है। अंतरिक्ष एजेंसी इसरो के मुताबिक उपग्रह GSAT-31 को इसरो के परिष्कृत I-2K बेस पर स्थापित किया गया है। यह इसरो के पूर्ववर्ती इनसेट GSAT उपग्रह श्रेणी के उपग्रहों का उन्नत रूप है। यह उपग्रह भारतीय भूभाग और द्वीप को कवरेज प्रदान करेगा। इसरो ने यह भी कहा है कि GSAT-31 का इस्तेमाल सहायक VSAT नेटवर्क, टेलीविजन अपलिंक्स, डिजिटल उपग्रह समाचार जुटाने, DTH टेलीविजन सेवाओं, सेलुलर बैक होल संपर्क और इस तरह के कई कार्यों में किया जाएगा। इस श्रेणी में हमारा अगला टॉपिक है राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर उत्पाद नीति।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 28 फरवरी 2019 को राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर उत्पाद नीति को मंजूरी प्रदान की है। इस नीति का उद्देश्य देश को सॉफ्टवेयर उत्पाद विकास का प्रमुख केंद्र बनाना है। केंद्र सरकार का कहना है कि इससे वर्ष 2025 तक 65 लाख नौकरियों का सृजन होगा। भारत का सूचना प्रौद्योगिकी कारोबार 168 अरब डॉलर का है। इसमें अधिकतर हिस्सेदारी सेवाओं की है, जबकि इसमें सॉफ्टवेयर उत्पादों का हिस्सा कम है, यह मात्र 7.1 अरब डॉलर है। अधिकतर सॉफ्टवेयर उत्पाद आयात किए जाते हैं। यही वजह है कि सॉफ्टवेयर उत्पाद नीति को 2025 तक देश को सॉफ्टवेयर उत्पाद क्षेत्र में एक बड़ा केंद्र बनाने का लक्ष्य लेकर तैयार किया गया है। अगला टॉपिक है स्पार्क। मानव अनुसंधान विकास मंत्रालय द्वारा हाल ही में अकादमिक और अनुसंधान सहयोग संवर्धन योजना अर्थात स्पार्क के तहत आईआईटी मंडी के लिए 7 अनुसंधान प्रस्तावों का चयन किया गया है। इस योजना के तहत आईआईटी में विभिन्न शोध और कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आइए अब जानते हैं कि स्पार्क योजना क्या है। इस योजना के तहत 600 संयुक्त शोध प्रस्ताव 2 वर्षों के लिए दिए जाएंगे, ताकि कक्षा संकाय में सर्वोत्तम माने जाने वाले भारतीय अनुसंधान समूहों और विश्व के प्रमुख विश्वविद्यालयों के प्रख्यात अनुसंधान समूहों के बीच उन क्षेत्रों में शोध संबंधी सुदृढ़ सहयोग संभव हो सके। स्पार्क योजना का उद्देश्य भारतीय संस्थानों और विश्व के सर्वोत्तम संस्थानों के बीच अकादमिक एवं अनुसंधान सहयोग को सुगम बनाकर भारत के उच्च शिक्षण संस्थानों में अनुसंधान परिदृश्य को बेहतर बनाना है। अगला टॉपिक है वेस्ट नील वायरस। इस साल केरल स्थित मालापुरम में एक 7 वर्षीय बच्चे में वेस्ट नील वायरस के लक्षण देखे गए हैं। वेस्ट नील वायरस मच्छर जनित बीमारी है और यह बीमारी अधिकतर द्वीपीय संयुक्त राज्य अमेरिका में पाई जाती है। वेस्ट नील वायरस एक मच्छर जनित रोग है। वेस्ट नील वायरस मनुष्य में एक घातक न्यूरोलॉजिकल बीमारी का कारण बन सकता है। हालांकि इससे संक्रमित लगभग 80% लोगों में इसके लक्षण पता नहीं लग पाते। यह वायरस घोड़ों में गंभीर बीमारी और मृत्यु का कारण बन सकता है। घोड़ों को रोग से बचाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले टीके उपलब्ध है, लेकिन अभी तक मनुष्य के लिए उपलब्ध नहीं है। पक्षी वेस्ट नील वायरस के प्राकृतिक मेजबान है। आइए अब जानते हैं वेस्ट नील वायरस की उत्पत्ति कैसे होती है। वेस्ट नील वायरस पहली बार वर्ष 1937 में युगांडा के वेस्ट नील जिले में एक महिला में पाया गया था। इसकी पहचान वर्ष 1953 में नील डेल्टा क्षेत्र में पक्षियों में हुई थी। वर्ष 1997 में से पहले वेस्ट नील वायरस को पक्षियों के लिए रोगजनक नहीं माना जाता था, लेकिन उस समय इसराइल में एक ही समय पर सैकड़ों पक्षी प्रजातियों की मृत्यु हो गई थी जो इंसेफेलाइटिस और पक्षाघात के लक्षण पेश कर रही थी। विश्व भर में वेस्ट नील वायरस के कारण मानव संक्रमण को 50 से अधिक वर्ष पहले सूचित किया जा चुका है। अगला टॉपिक है मलेरिया रोधी दवा का सफल परीक्षण। द लैंसेट जर्नल में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार पश्चिमी अफ्रीकी देश बुर्किना फासो में मलेरिया जैसी घातक समस्याओं से निपटने हेतु मलेरिया जनक मच्छरों की रोधी दवा का परीक्षण किया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार आइवरमेक्टिन नामक इस दवा का विभिन्न लोगों पर परीक्षण किया गया, जिसके बाद इसके सकारात्मक नतीजों के बारे में बताया गया। अगला टॉपिक है सबसे तेज सुपर कंप्यूटर। अमेरिका द्वारा अब तक के इतिहास में सबसे तेज सुपर कंप्यूटर को बनाने का निर्णय लिया गया है। इस सुपर कंप्यूटर को अरोरा नाम दिया गया है। इस सुपर कंप्यूटर को बनाने के लिए इंटेल, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी तथा क्रे द्वारा समझौता किया गया है। सभी संस्थाएं मिलकर वर्ष 2021 तक अरोरा को डिलीवर करने का प्रयास करेगी। अरोरा सुपर कंप्यूटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तथा साधारण HPC वर्कलोड को हैंडल करने में सक्षम होगा।
आइए जानते हैं कि ओरोरा की प्रमुख विशेषताएं क्या है। ओरोरा सुपर कंप्यूटर को शिकागो के बाहर लेमोंट इलिनॉय स्थित ऑरेगन नेशनल लेबोरेटरी में स्थापित किया जाएगा। यह विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर होगा जो एक्सास्केल अर्थात प्रति सेकंड 1 बिलियन गणनाएं करने में सक्षम होगा। आइए जानते हैं भारत में सुपर कंप्यूटर। भारत के पहले सुपर कंप्यूटर परम 8000 को 1991 में लॉन्च किया गया था। इसके बाद भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान में सबसे तेज सुपर कंप्यूटर लगाया गया है जिसे प्रत्यूष कहा जाता है। इसकी गति 4.0 पेटाफ्लॉप्स है। नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग में मिहिर नामक सुपर कंप्यूटर लगाया गया है जिसकी गति 2.8 पेटाफ्लॉप्स है। अगला टॉपिक है एमीसैट। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 1 अप्रैल 2019 को अंतरिक्ष में भारतीय रॉकेट पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल अर्थात पीएसएलवी C-45 द्वारा उपग्रहों का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है। इस प्रक्षेपण में इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस उपग्रह एमीसैट का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया। आइए जानते हैं एमीसैट की विशेषताएं क्या है। एमीसैट सुरक्षा निगरानी के उद्देश्य से भी भारत के लिए महत्वपूर्ण उपग्रह है क्योंकि इसे इसरो और डीआरडीओ ने मिलकर बनाया है। यह उपग्रह पृथ्वी से 749 किलोमीटर की दूरी में भारत की सीमाओं पर होने वाली गतिविधियों की जानकारी देगा। इसका विशेष उद्देश्य पाकिस्तान और चीन की सीमा पर इलेक्ट्रॉनिक गतिविधियों पर नजर रखना है। यह भारत की सीमाओं पर उपग्रह रडार और सेंसर पर निगाह रखेगा। इस उपग्रह से न केवल मानवीय बल्कि संचार से जुड़ी किसी भी तरह की गतिविधि पर नजर रखी जा सकेगी। आज का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ब्लैक होल की तस्वीर। वैज्ञानिकों ने पहली बार ब्लैक होल का चित्र लिया है। यह ब्लैक होल लगभग 9.5 लाख करोड़ किलोमीटर दूर M87 गैलेक्सी में स्थित है। इस शोध का मुख्य उद्देश्य विभिन्न ब्लैक होल की नजदीक से जानकारी जुटाना है। आइए जानते हैं कि ब्लैक होल होता क्या है। ब्लैक होल एक शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण युक्त खगोलीय क्षेत्र होता है जिसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति से प्रकाश भी नहीं बच सकता। ब्लैक होल या श्याम विवर तारों की मृत्यु के बाद ही बाद की अवस्था को कहते हैं। तारे अपने केंद्र में हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन या फ्यूजन से पैदा होने वाली ऊर्जा से चमकते हैं। ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण इतना शक्तिशाली होता है कि इससे न तो अणु बच सकते हैं वहीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विकिरण जैसे प्रकाश का भी इससे बाहर आना नामुमकिन है, जिसके चलते इसे ब्लैक होल कहा जाता है क्योंकि यह अपने ऊपर पड़ने वाले सारे प्रकाश को अवशोषित कर लेता है। जीनोम का अनुक्रमण। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा एक परियोजना के अंतर्गत भारत के युवा छात्रों के जीनोम का अनुक्रमण किए जाने की योजना तैयार की गई है। इस परियोजना का उद्देश्य जीनोमिक्स की उपयोगिता के बारे में छात्रों की अगली पीढ़ी को शिक्षित करना है। दरअसल सरकारी नेतृत्व में जीनोम अनुक्रमण में चलाई जा रही परियोजनाओं के अंतर्गत लगभग 10,000 भारतीय लोगों के जीनोम को अनुक्रमित किया जाना तय किया गया है। जीनोम होता क्या है। आणविक जीव विज्ञान के अनुसार जीन वह आनुवांशिक पदार्थ है जिसके माध्यम से जीवों के गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचते हैं। किसी भी जीव के डीएनए में विद्यमान समस्त जीनों का अनुक्रम जीनोम कहलाता है। मानव जीनोम में अनुमानतः 80,000 से 1,00,000 तक जीन होते हैं। जीनोम के अध्ययन को जीनोमिक्स कहा जाता है। अगला टॉपिक है मलेरिया का पहला टीका। विश्व भर में प्रत्येक साल लाखों मौतों के कारण मलेरिया का पहला टीका लॉन्च किया गया है। इस जानलेवा बीमारी से बच्चों को बचाने के लिए पिछले 30 साल से इस टीके को लाने के प्रयास किए जा रहे थे। यह टीका 5 महीने से 2 साल तक के बच्चों के लिए है। वैक्सीन का नाम है RTSS। इसे तैयार करने के में करीब 30 साल का समय लगा और वैज्ञानिकों का दावा है कि इसे लगाने के बाद बच्चों में मलेरिया नियंत्रण में सफलता मिलेगी।
अगला टॉपिक है अल्टीमा थुले। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा को हाल ही में अल्टीमा थुले की सतह पर मेथनॉल, पानी की जमी बर्फ और कार्बनिक अणुओं के एक अद्वितीय मिश्रण का सबूत मिला है। मानव जाति द्वारा खोजी गई अब तक की यह सबसे दूर की दुनिया है। नेक्स्ट टॉपिक है क्यूपर बेल्ट में स्थित ऑब्जेक्ट। क्यूपर बेल्ट अंतरिक्ष का सबसे दूर की सतह में स्थित ऑब्जेक्ट 2014 MU69 नामक पिंड को अल्टीमा थुले नाम दिया गया है। नासा के न्यू होराइजेंस अंतरिक्ष यान ने 2019 में नए साल के मौके पर उड़ान के दौरान इस पिंड का डेटा इकट्ठा किया था। इसके पहले सेट का विश्लेषण करने के बाद अंतरिक्ष की जटिल दुनिया के बारे में और अधिक जानकारी मिली है। आइए जानते हैं अल्टीमा थुले के बारे में। अल्टीमा थुले एक अंतरिक्ष यान द्वारा देखी गई अब तक की सबसे दूर की वस्तु है। अल्टीमा थुले प्लूटो से 1.6 बिलियन किलोमीटर तथा पृथ्वी से 6.4 बिलियन किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अल्टीमा थुले 4.5 बिलियन साल पहले सौर प्रणाली की उत्पत्ति के संबंध में सूचनाएं एकत्रित करेगा। इससे हमारे सौर मंडल की उत्पत्ति को समझने में मदद भी मिलेगी। नेक्स्ट टॉपिक है आकाश 1S मिसाइल। डीआरडीओ ने मई 2019 में आकाश 1S सतह से वायु रक्षा मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण किया। यह स्वदेशी साधक युक्त मिसाइल का एक नया संस्करण है। डीआरडीओ ने इससे पहले 24 मई 2019 को राजस्थान के पोखरण में एक सुखोई लड़ाकू विमान से 500 किलोग्राम कैटेगरी के एक गाइडेड बम छोड़ने का सफल परीक्षण किया था। यह बम देश में ही विकसित किया गया गाइडेड बम ने सफलतापूर्वक रेंज हासिल करते हुए लक्ष्य पर काफी सटीक निशाना लगाया। सरकार ने DSRA को हथियार बनाने की दी मंजूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली सुरक्षा मामलों पर कैबिनेट कमेटी ने रक्षा अंतरिक्ष अनुसंधान एजेंसी नाम से जाने जाने वाली एक नई एजेंसी के गठन को मंजूरी दी है। इस एजेंसी को अंतरिक्ष युद्ध हथियार प्रणालियों और प्रौद्योगिकी को विकसित करने का काम सौंपा गया है। यह एजेंसी अंतरिक्ष युद्ध को ध्यान में रखते हुए अत्याधुनिक हथियार प्रणालियों और तकनीक का विकास करेगी। अगला टॉपिक है भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन। इसरो द्वारा 13 जून 2019 को यह घोषणा की गई कि 2030 तक भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित किया जाएगा। अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत चौथा राष्ट्र होगा जिसकी अंतरिक्ष में अपना स्टेशन होगा। इसरो द्वारा जारी जानकारी के अनुसार इसे किसी भी अन्य देश की साझेदारी के बिना ही विकसित किया जाएगा। इसरो द्वारा यह घोषणा की गई है कि यह स्पेस स्टेशन लगभग 20 टन की क्षमता का होगा। इस स्पेस स्टेशन में यानों के मिलने, उपग्रहों के उतारने और वैज्ञानिकों के रहने की सुविधा होगी। दरअसल इसरो जब मानव को अंतरिक्ष में भेजने की क्षमता हासिल कर लेगा तो अगला कदम वहां रहकर शोध का होगा, इसलिए स्पेस स्टेशन विकसित किया जाना आवश्यक है। चंद्रयान 2 मिशन। चंद्रयान 2 का लैंडर विक्रम चांद की सतह पर उतरने से पहले भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन से संपर्क टूट गया। इसरो के अनुसार रात्रि 1:37 पर लैंडर की चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई थी, लेकिन लगभग 2.1 किलोमीटर ऊपर संपर्क टूट गया। चंद्रयान 2 एक अंतरिक्ष यान है। इसके तीन सबसे अहम हिस्से लैंडर, ऑर्बिटर और रोवर है। चंद्रयान 2 10 साल के भीतर भारत का चंद्रमा पर भेजा जाने वाला दूसरा अभियान है। चंद्रयान 2 का वजन 3,877 किलोग्राम है। इसरो ने पहले सफल चंद्रमा मिशन चंद्रयान 1 का प्रक्षेपण किया था जिसने चंद्रमा के 3,400 चक्कर लगाए थे। चंद्रयान 1 29 अगस्त 2009 तक 312 दिनों तक काम करता रहा था। अब जानते हैं चंद्रयान 2 के बारे में थोड़ा डिटेल में। ऑर्बिटर, चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर चांद से 100 किलोमीटर ऊपर स्थापित किया गया। ऑर्बिटर में 8 पेलोड, 3 लैंडर और 2 रोवर है।
लैंडर विक्रम। लैंडर विक्रम में 4 पेलोड है। इसरो के स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद ने इसकी शुरुआती डिज़ाइन को बनाया था। इसके बाद में बेंगलुरु के URSC ने विकसित किया था। लैंडर का नाम इसरो के संस्थापक और भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया। रोवर प्रज्ञान यह एक रोबोट है। इसका वजन 27 किलोग्राम है। इस रोबोट पर ही पूरे मिशन की जिम्मेदारी है। इसमें 2 पेलोड है। अगला टॉपिक है नासा को मिली चंद्रयान 2 के विक्रम लैंडर की साइट। नासा के अनुसार चंद्रयान 2 के विक्रम लैंडर का मलबा क्रैश साइट से 750 मीटर दूर मिला है। इसकी जानकारी नासा ने ट्वीट करके दी है। नासा के अनुसार विक्रम लैंडर की तस्वीर 1 किलोमीटर की दूरी से ली गई है। शनमुगा ने मलबे का पता कैसे लगाया? रिपोर्ट के अनुसार शनमुगा सुब्रमण्यम ने विक्रम लैंडर के अंतिम ज्ञात वेग और स्थिति की समीक्षा की। सुब्रमण्यम ने मलबे की एक सकारात्मक पहचान के साथ LRO परियोजना से संपर्क किया। शनमुगा द्वारा मुख्य दुर्घटना स्थल के उत्तर पश्चिम में मलबे को पहले मोजैक में एक एकल उज्ज्वल पिक्सल पहचान की थी। अगला टॉपिक है अस्त्र मिसाइल। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने हवा से हवा में मार करने वाली अस्त्र मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। इस मिसाइल का परीक्षण सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान से किया गया था। इस मिसाइल ने पश्चिम बंगाल में एक हवाई अड्डे से उड़ान भरी थी। इस मिसाइल का परीक्षण उड़ीसा के तट पर किया गया। यह मिसाइल परीक्षण के दौरान अपने निशाने पर सटीक वार किया। अस्त्र मिसाइल पूरी तरह से स्वदेशी मिसाइल है। आइए जानते हैं अस्त्र मिसाइल के बारे में। अस्त्र मिसाइल BVR बियॉन्ड विजुअल रेंज हवा से हवा मारक क्षमता वाली मिसाइल है। इस मिसाइल की रेंज 70 किलोमीटर है। इस मिसाइल को DRDO ने मिराज 2000H, MiG-29, MiG-29K, LCA तेजस, MiG-21 बायसन और सुखोई SU-30 MKI विमानों में लगाने हेतु विकसित किया है। इस मिसाइल में ठोस ईंधन प्रणोदक का उपयोग किया गया है। सुपरसोनिक गति से यह मिसाइल हवा में उड़ रहे किसी भी लक्ष्य को पूरी तरह से बर्बाद कर सकती है। यह मिसाइल अपनी श्रेणी की हथियार प्रणालियों में सबसे अच्छी है। इस मिसाइल के अभी तक कई परीक्षण किए जा चुके हैं। यह मिसाइल दुश्मन विमानों को 70 किलोमीटर दूर से ही मार गिराने की क्षमता रखती है। ओजोन में अब तक का सबसे छोटा छिद्र नासा। नासा साल 1982 से ओजोन के छिद्र के आकार पर नज़र बनाए हुए तथा इस बार सबसे छोटे छेद के रूप में दर्ज किया गया है। विश्व स्तर पर बढ़ते तापमान के बीच ओजोन के छेद में बहुत बड़ी गिरावट देखी गई है। यह पिछले 37 सालों में ओजोन के सबसे छोटे छेद के रूप में रिकॉर्ड किया गया है। नासा के मुताबिक अंटार्कटिका के ऊपर वायुमंडल में असामान्य मौसम के पैटर्न की वजह से साल 1982 में वैज्ञानिकों ने इसकी जाँच शुरू की थी, क्योंकि ओजोन परत में छेद सबसे छोटे आकार तक सिकुड़ गया है। प्रत्येक साल छेद के आकार में उतार चढ़ाव आता है। दक्षिणी गोलार्ध में आमतौर पर सबसे ठंडे महीनों के दौरान सितंबर के अंत से अक्टूबर के शुरू तक सबसे बड़ा होता है। नासा के मुताबिक ओजोन को नष्ट करने की प्रक्रिया में मुख्य घटक ध्रुवीय समताप मंडलीय बादल होते हैं। ये अपेक्षाकृत दुर्लभ शरीर सतह से ऊपर करीब 49,000 से 82,000 फीट की बीच ऊंचाई पर समताप मंडल में उच्च होते हैं। आइए जानते हैं ओजोन गैस की परत के बारे में। ओजोन गैस की परत पृथ्वी की सतह से ऊपर करीब 11 किलोमीटर से 40 किलोमीटर के बीच फैली हुई है। ओजोन गैस की परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है। नासा के वैज्ञानिकों के मुताबिक बीते 40 वर्षों में तीसरी बार तापमान बढ़ने के वजह से ओजोन परत में बन रहे छिद्र का आकार घटा है। इससे पहले साल 1988 और साल 2002 में भी ऐसा देखने को मिला था। अगला टॉपिक है वॉयजर 2। सूर्य की सीमा के पार पहुंचने वाला दूसरा यान बना वॉयजर 2।
इससे पहले नासा का ही वॉयजर 1 इस सीमा के पार पहुंचा था। अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ आयोवा के शोधकर्ताओं के मुताबिक वॉयजर 2 ISM में पहुंच गया है। नेक्स्ट टॉपिक है कार्टोसैट 3। हाल ही में इसरो ने PSLV C-47 रॉकेट की सहायता से कार्टोसैट 3 उपग्रह को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है। इस उपग्रह को पृथ्वी के ऊपर 509 किलोमीटर की ऊंचाई पर सूर्य तुल्यकालिक कक्षा अर्थात सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में स्थापित किया गया। आइए जानते हैं कार्टोसैट 3 के बारे में कुछ और डिटेल में। कार्टोसैट 3 कार्टोसैट श्रृंखला का नोवा उपग्रह है। इस श्रृंखला का पहला उपग्रह वर्ष 2005 में प्रक्षेपित किया गया था। कार्टोसैट 3 के प्रत्येक कैमरे में 25 सेंटीमीटर के ग्राउंड रेजोल्यूशन की क्षमता होगी। इसका तात्पर्य यह है कि यह पृथ्वी पर उपस्थित किसी वस्तु के न्यूनतम हिस्से को भी 500 किलोमीटर की ऊंचाई से स्पष्ट देख सकता है। यह उपग्रह रिमोट सेंसिंग के मामले में विश्व में सर्वश्रेष्ठ होगा, इसलिए इसे सार्पेस्ट आई कहा जा रहा है। इसके अलावा इसे कार्टोग्राफी या अन्य मानचित्रण संबंधी कार्यों के लिए प्रयोग में लाया जाएगा, जिससे यह भौगोलिक संरचना में प्राकृतिक तथा मानव जनित कारणों से होने वाले बदलावों की जानकारी देगा। इन उपग्रहों से प्राप्त हाई रेजोल्यूशन फोटोग्राफ्स की आवश्यकता विविध अनुप्रयोगों में उपयोगी होगी, जिनमें कार्टोग्राफी, अवसंरचना योजना निर्माण, शहरी एवं ग्रामीण विकास, उपयोगिता प्रबंधन, प्राकृतिक संसाधनों, इन्वेंट्री एवं प्रबंधन, आपदा प्रबंधन शामिल है। अगला टॉपिक है रिसेट 2BR1 सैटेलाइट। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने 11 दिसंबर 2019 को एक और नया इतिहास रच दिया है। इसरो ने 11 दिसंबर को रीसेट 2BR1 सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। यह उपग्रह भारतीय सीमाओं की सुरक्षा के लिहाज से बेहद अहम है, इसी कारण से इसको भारत का खुफिया उपग्रह भी कहा जा रहा है। आइए जानते हैं रिसेट 2BR1 के बारे में कुछ अन्य विशेषताएं। भारत की निगरानी की ताकत अंतरिक्ष पर पहले से और अधिक बढ़ जाएगी। इसरो ने बताया कि रिसेट 2BR1 मिशन की लाइफ 5 साल है। इसरो PSLV के जरिए एक साथ 10 सैटेलाइट को आसमान में रवाना किया है। इसमें इजराइल, इटली और जापान का एक एक तथा अमेरिका के 6 उपग्रह शामिल होंगे। अगला टॉपिक है ब्रह्मोस सुपरसोनिक। भारत की निगरानी की ताकत अंतरिक्ष पर पहले से और अधिक बढ़ जाएगी। DRDO ने 17 दिसंबर 2019 को ओडिशा के चांदीपुर से 2 ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इस मिसाइल को मोबाइल ऑटोनोमस लॉन्चर से चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज में लॉन्च कॉम्प्लेक्स 3 से प्रक्षेपित किया गया। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को जमीन एवं हवाई प्लेटफॉर्म से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। DRDO ने इसमें मिसाइल एयरफ्रेम फ्यूल मैनेजमेंट सिस्टम को डिज़ाइन किया था। इस ब्रह्मोस मिसाइल को जमीन, समुद्र तथा आकाश तीनों जगहों से दागा जा सकता है। अगला टॉपिक है 2 ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण। DRDO के अनुसार सतह से सतह की मारक क्षमता का परीक्षण करने के बाद दूसरा परीक्षण SU-300MKI लड़ाकू विमान से किया गया। यह परीक्षण भारतीय वायुसेना ने किया। भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान ने मिसाइल को समुद्र में मौजूद लक्ष्य पर निशाना साधा। मिसाइल ने इसे बहुत ही आसानी से नष्ट कर दिया। आइए जानते हैं ब्रह्मोस मिसाइल की विशेषताएं क्या है। ब्रह्मोस मिसाइल एक कम दूरी की रेमजेट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ब्रह्मोस मिसाइल को पनडुब्बी से, पानी के जहाज से, विमान से या जमीन से भी छोड़ा जा सकता है। यह मिसाइल रूस की प्रौद्योगिकी पर आधारित है। अगला टॉपिक है पिनाका मार्क 2। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा विकसित पिनाका मिसाइल प्रणाली का हाल ही में ओडिशा के चांदीपुर तट से सफल परीक्षण किया गया। पिनाका मार्क 2 महज
44 सेकंड में 12 रॉकेट दागने में सक्षम है। पिनाका मार्क टू ने सभी लक्ष्यों को सफलतापूर्वक निशाना बनाया। पिनाका मार्क टू रॉकेट को नेविगेशन, कंट्रोल और गाइडेड सिस्टम से जोड़कर मिसाइल के तौर पर विकसित किया गया है। इससे इसकी रेंज बढ़ने के साथ लक्ष्य को भेदने की क्षमता और भी बेहतर हो गई है। यह सतह से हवा में मार करने वाली त्वरित कार्रवाई मिसाइल अर्थात क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल QRSAM मैदानी और अर्ध रेगिस्तानी इलाकों में सैन्य टुकड़ियों के लिए सहायक सिद्ध हो गई। यह दुश्मन की उन मिसाइलों को भी निशाना बनाने में कारगर साबित होगी जो नज़दीक आकर अचानक लुप्त हो जाती है। इन मिसाइलों के सफल परीक्षण से भारत की सुरक्षा स्थिति मजबूत होगी। स्टूडेंट्स, विज्ञान और प्रौद्योगिकी वार्षिकांक 2019 की आज की यह सीरीज यहीं समाप्त होती है। यदि आपको यह सीरीज पसंद आई है तो निर्माण IAS के YouTube चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।